MU-G6 DOL Controller. M-Power को MU-G6 DOL Controller से जोड़ने का तरीका करीब करीब MU-G10 DOL Controller की तरह ही है, लेकिन कई स्टेप्स में थोड़ा सा फर्क है। आइए देखते हैं ऐसी स्टेप्स जो थोड़ी अलग है। MU-G6 DOL Controller को M-Power के साथ जोड़ते समय आपको तीसरी स्टेप, पांचवी स्टेप और छठी स्टेप्स की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेप्स MU-G10 DOL Controller से अलग हैं। तीसरी स्टेप, कॉम वायर को कंट्रोलर की कॉमन फेज में जोड़ें। MU-G6 DOL Controller में ये कॉमन फेज B है। पांचवी स्टेप, अब NC1 और NC2 फेरियल वाले वायर्स को मेन या होल्डिंग कॉन्टैक्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट करें। इसके लिए आपको पहले 94 और A2 के बीच वाला वायर हटाना पड़ेगा। उसके बाद NC1 को 94 में और NC2 को A2 में जोड़ें। चेतावनी, कृपया ध्यान में रखें कि NC2 को हमेशा A2 में ही जोड़ना जरूरी है। छठवी स्टेप, DA1 वायर को MU-G6 DOL कंट्रोलर के मुख्य कॉन्टैक्टर के कॉइल के A2 टर्मिनल से जोड़ें। M-Power को MU-G15 स्टार डेल्टा कंट्रोलर से जोड़ने का तरीका बिल्कुल MU-G20 स्टार डेल्टा कंट्रोलर की तरह है, लेकिन MU-G30 स्टार डेल्टा कंट्रोलर से जोड़ने का तरीका थोड़ा अलग है। MU-G30 स्टार डेल्टा कंट्रोलर, MU-G30 स्टार डेल्टा कंट्रोलर और M-Power का कनेक्शन करते समय आपको सिर्फ चौथे और पांचवें स्टेप पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वो MU-G20 स्टार डेल्टा कंट्रोलर से अलग है। चौथी स्टेप, NO1 और NO2 फेरियल वाले वायर्स को रिले के 96 और 94 कॉन्टैक्ट में जोड़ें। पांचवी स्टेप, अब NC1 और NC2 फेरियल वाले वायर्स को मेन या होल्डिंग कॉन्टैक्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट करें। इसके लिए आपको पहले H44 और HA1 के बीच वाला वायर हटाना पड़ेगा। उसके बाद NC1 को H44 में और NC2 को HA1 में जोड़ें। चेतावनी, कृपया ध्यान में रखें कि NC2 को हमेशा HA1 में ही जोड़ना जरूरी है। इस कनेक्शन के लिए बाकी सभी स्टेप्स MU-G20 स्टार डेल्टा कंट्रोलर की तरह ही है। MU-G50 और MU-G75 स्टार डेल्टा कंट्रोलर्स का M-Power के साथ कनेक्शन करने का तरीका बिल्कुल MU-G30 की तरह है और उसमें कोई भी फर्क नहीं है।